हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्किंग कपल डायरीज। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक रूम का मेकओवर। एक्चुअली पूरे रूम का मेकओवर मैंने नहीं किया है, अपने रूम के एक छोटे से कॉर्नर का मेकओवर किया है जिसकी थीम रखी है पर्पल। इसके साथ बनाए हैं बहुत ही ईजी DIYs जो बहुत जल्दी बन जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले DIY के लिए मैंने लिया है एक लकड़ी का टुकड़ा, पड़ा हुआ था जो फर्नीचर बना था तब काम में आया था। और इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ मिरर मोज़ेक आर्ट। तो उसके लिए मैंने मिरर के रैंडम पैटर्न्स यहाँ पर अरेंज किए थे, जैसे जैसे मेरे माइंड में आता गया मैंने इसको अरेंज कर लिया और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन के तैयार हुआ। अगर आप बड़े वुडन ब्लॉक के ऊपर करेंगे तो आपको पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा, लेकिन छोटे वुडन ब्लॉक पर करते हैं तो रैंडमली हो जाता है। तो इसके बाद हम बनाएंगे एक टेक्स्चर पेस्ट। इसके लिए मुझे चाहिए वॉल पुट्टी। मैंने 2 चम्मच वॉल पुट्टी लिया था जिसमें मैंने ऐड किया था पर्पल कलर, क्योंकि मेरी थीम पर्पल है तो मैं ज़्यादातर चीज़ों का जो कलर रखने वाली हूँ वो पर्पल के ही अलग अलग शेड्स रखने वाली हूँ। कलर ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फेविकॉल भी ऐड किया है एक इसको स्मूथ टेक्स्चर देने के लिए, और ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। बस ये पेस्ट आप स्पून की हेल्प से या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं पूरे वुडन ब्लॉक के ऊपर, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो बहुत इजीली ये पेस्ट पील ऑफ हो जाता है, रब हो जाता है मिरर्स के ऊपर से। बस इसको इनके ऊपर से रब कर दीजिए और आपका ये एक आर्ट पीस बन के तैयार है। नेक्स्ट हम DIY बनाएंगे बॉटल्स की हेल्प से। ये बॉटल्स मेरे को कहीं मिल गई थी रखी हुई, तो मैंने सोचा चलो इनको यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक बेस कोट दिया है, ये मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का बेस कोट दिया है। पूरी बॉटल को वाइट एक्रेलिक कलर से बेस कोट देने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी तब मैं इसमें पर्पल कलर के अलग अलग शेड्स देने वाली हूँ, फ्रॉम डार्क टू लाइट शेड। तो सबसे पहले मैंने डार्क कलर इसके ऊपर अप्लाई किया है, डार्क पर्पल। इसके बेस में मैं डार्क पर्पल कलर अप्लाई कर दूंगी और इसको भी ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। ये कलर को कंप्लीट करने के बाद इसे लाइट शेड मैंने यूज़ किया है, और ऐसे ही हम एक एक कलर लाइट शेड इसका यूज़ करते जाएंगे। इसके लिए सिंपली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उसी पर्पल कलर में वाइट कलर को मिक्स करती गई और मेरे पास लाइटर शेड आता गया। जितना लाइट मुझे चाहिए था कलर, उतना लाइट मैंने इसके ऊपर इसमें वाइट कलर मिक्स किया और मेरी पूरी बॉटल के ऊपर ये कलर बनके तैयार हो गया है। जब भी हम इसके ऊपर कलर करेंगे तो हमें जैसे पहले हमारा एक शेड ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा शेड करना स्टार्ट करेंगे तो वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा। देखिए एक और लाइट शेड पर्पल का ये हमने अप्लाई कर लिया। इसको कम्प्लीटली वाइट लाइट पर्पल के साथ हम कोट कर देंगे नेक तक, और लास्ट पोर्शन हम इसे भी लाइट पर्पल कलर के साथ अप्लाई करने वाले हैं। अभी ये सारे कलर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डॉट टूल्स की हेल्प से सिर्फ सिंपल फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। ये वीडियो मेरे को थोड़ा जल्दी बनाना था, ये सारा प्रोजेक्ट मेरे को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई आर्ट एलिमेंट्स यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ डॉट टूल्स की हेल्प से डॉट्स बनाए हैं और उनके कुछ फ्लावर्स बना दिए हैं, और मेरा बॉटल बन के रेडी हो गया है। इसको मैं सिर्फ अपने रूम के कॉर्नर में रखने वाली हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना ही डेकोर चाहिए था। नेक्स्ट मेरे पास एक ये टिन का डब्बा पड़ा हुआ था और मैंने सोचा चलो इसका भी फटाफट एक DIY बना लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। हमें करना क्या है, हमें इसके ऊपर एक वाइट कलर का कोट करना है। आपके पास वाइट एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप जैसो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जैसो अभी नहीं था तो मैंने वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, और उसके 2 कोट मैंने इसके ऊपर ब्रश की हेल्प से अप्लाई किए हैं, क्योंकि स्पॉन्ज की हेल्प से ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहा था तो मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ किया है। और इसके ऊपर मैंने सिंपल जूट रोप को रैप कर दिया है दोनों साइड्स, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इसके 5 राउंड्स बनाए हैं और ये 5 राउंड्स मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे अप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से ही यहाँ पर छोटे छोटे हार्ट बना दिए थे, इसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। ये बनाने के बाद मुझे इसमें एक पॉट रखना था क्योंकि बहुत खाली खाली दिख रहा था, और मेरे पास इस तरीके का एक फ्लावर पॉट था जो ऑलरेडी टूट चुका था, मैं बाहर यूज़ भी नहीं कर रही थी, तो मैंने इसे ही अपने नए फ्लावर पॉट में रख लिया और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसमें फिट आया है ये।
और हमारा तीसरा DIY भी बनके तैयार है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना था वो था कर्टेंस चेंज करना। ये कर्टेंस काफ़ी टाइम से थे मेरे रूम में और मुझे इनको चेंज करना था एक नया लुक देने के लिए, क्योंकि कर्टेंस चेंज कर के भी एक नया लुक आ जाता है। तो इसकी जगह मैंने यूज़ किए हैं पर्पल के अलग अलग शेड्स। पर्पल के साथ वाइट को मिक्स किया है, पर्पल और वाइट कर्टेंस मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। और ये सब मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं सारे कर्टेंस, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर मुझे मिल जाएगा तो। और ये है मेरे रूम के कॉर्नर का फाइनल लुक, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, अप्रिशिएट करती रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।